भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर मानती है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या लालू प्रसाद जी हो, दोनों से लड़कर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना, और यही आज प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट संदेश दिया, मजबूत सरकार बनाइए, लाचार सरकार मत बनाइए, मजबूर सरकार मत बनाइए, और ये जो पलटी मारने वाली सरकार होती है इससे भी बिहार के लोगों को बचना। ये पहले से लोग जानते हैं, आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी, अपने परिवार और अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, कुछ इस कदर ही इंडी गठबंधन की भी हालात जो है वो अब हो गई है। ममता बनर्जी ने जहां एक तरफ कह दिया था कि बंगाल में वो खुद अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, एकला चलो की रणनीति पर वो चलेंगी, वहीं दूसरी ओर अगर पंजाब की बात करें तो अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर के जब हमने सम्राट चौधरी से सवाल किया तो क्या कुछ उनका कहना था, आप सुनिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को सीधा संबोधन किया, भारत कैसे श्रेष्ठ होगा, भारत में कैसी मजबूत सरकार होनी चाहिए, और जो नए मतदाता हैं, न्यू वोटर्स हैं, उनका क्या महत्व है, भारत को श्रेष्ठ बनाने में न्यू वोटर्स का क्या रोल है, उन सभी नौजवानों को समझाने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि भारत को यदि 2047 में सबसे आर्थिक रूप से विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो सभी लोगों को अच्छी सरकार भी चुननी चाहिए, और मोदी की गारंटी का भी स्पष्ट संदेश दिया कि गरीब कल्याण का मामला हो, धर्म का मामला हो, और गरीब कल्याण के लिए पूरे प्रदेश में किस तरह योजनाओं का स्थापना किया गया, यह सारे चीज़ों के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न्यू वोटर्स को स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि इस देश को भारत बनाने में आपका एक बड़ा योगदान है, इसलिए आप सोच समझकर इस देश में मतदान करने का काम करें। नीतीश कुमार जी ने पहली बार बीजेपी की बात कही है, परिवारवाद पे सवाल उठाया जो लगातार आप लोग उठा नहीं, वो बहुत बार बोल चुके हैं, तो नई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी कई बार इन बातों को करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, वैसे वो करते सब कुछ हैं, बोलते कुछ और है। क्या लगता है सर, बिहार में कुछ बदलाव की स्थिति बन रही है? किस चीज का बदलाव? जो राजनीतिक okay, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर मानती है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो या लालू प्रसाद जी हो, दोनों से लड़कर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना, और यही आज प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट संदेश दिया, मजबूत सरकार बनाइए, लाचार सरकार मत बनाइए, मजबूर सरकार मत बनाइए, और ये जो पलटी मारने वाली सरकार होती है इससे भी बिहार के लोगों को बचना। ये पहले से लोग जानते हैं, आप इसका अनुभव करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि ये लोग सिर्फ अपनी पार्टी, अपने परिवार और अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। सम्राट जी एक इंजन बनने की आप बात लगातार करते हैं, डिब्बा बनने का मौका दे सकते हैं कुछ स्थितियां बन? एकदम स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में भाजपा की सरकार बनाना चाहती है, जनता के बीच में जाना चाहती है। तो सुना आपने बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। वहीं आज मतदाता दिवस है, इस कार्यक्रम के मौके पर वो पहुंचे थे और इस दौरान उनसे जब बातचीत की गई, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो दूरियां आई हैं उसके बारे में जब पूछा गया या फिर अगर बात कर ले तो कल जिस तरीके से परिवारवाद को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सवाल उठाया था, इशारों में ही उनका आरजेडी पर जो तंज था उसके बारे में क्या कुछ कहते नजर आए सम्राट चौधरी वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।